है। तो दोस्तों, हमेशा एक बात को आप समझना, लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन लोग शॉर्ट रास्ते को चूज करना चाहते हैं। शॉर्टकट हमेशा क्या होता है? आसान होता है। शॉर्टकट जाना क्या होता है? आसान होता है। लेकिन शॉर्टकट चल के आप कभी जिंदगी में बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे, ये बात मेरा लिख लेना। शॉर्टकट दुनिया में कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं दे सकती है। आप दुनिया के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते हो, दुनिया के लिए आप बहुत बड़ा नहीं दे सकते हो शॉर्टकट चल के। दुनिया में मैक्सिमम लोग क्यों फेल होते? शॉर्टकट चलना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? मैं आया एक साल में रातों रात करोड़पति बन जाओ। लोग क्या सोचते हैं? शॉर्टकट यही होता है ना। लोग क्या सोचते हैं? अपना अपना तरीका निकाल लेते हैं। तो आपको एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शॉर्टकट आसान होता है लेकिन शॉर्टकट से बड़ी सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक दूसरा रास्ता होता है जो लंबा रास्ता होता है, और वो क्या होता है? मुश्किल होता है। लंबा रास्ता हमेशा क्या होता है? मुश्किल भरा होता है। तो हमेशा मैक्सिमम लोग तो लंबे रास्ते को चूज ही नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग भी वैसा ही है। किसी को मैं ये बोलूं कि मैं 6 साल में यहां पहुंच गया तो लोग खूब ताली बजाएंगे, नहीं मैं बोलूंगा मुझे 15 साल हो गए। 15 साल? 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है सर आज के टाइम में। लेकिन आप एक चीज समझो कि जो बड़ी कामयाबी हमेशा मिलती है वो लंबे रास्ते पर चलने वाले लोगों को मिलती है। जो लॉन्ग रास्ता को चूज करता है, जो मुश्किल भरे रास्ते को चूज करता है। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आया था तो कभी भी मैं शॉर्टकट को नहीं फॉलो किया, मैं हमेशा लॉन्ग रास्ते को फॉलो किया। मैं कभी भी झूठ सच बोल के धंधा नहीं कराया, सच्चाई बोल के धंधा करवाया। समझना मेरी बातों को। कभी भी सेल के पीछे नहीं भागा, लीडर्स जनरेट करने के पीछे भागा। लंबा रास्ता, टाइम लगा। एक एक आदमी को ट्रेंड करने में एक एक साल लग जाता है, दो दो साल। दो दो साल में भी ऐसे लोग होंगे जो 2 साल बाद लीडर बन के निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ। अगर 10 लीडर ढंग का बनाया जाए तो 10 लीडर 10,000 लीडर क्रिएट करते हैं, 10,000 लीडर 1 लाख लीडर क्रिएट कर सकते हैं। राइट या रॉन्ग? समझो मेरी बातों को। लेकिन 10-10 बिल्कुल डेडिकेटेड लीडर, एजुकेटेड लीडर, जिसमें पूरा लीडरशिप स्किल हो, 10 लीडर को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। समझना, सही को सही बताना और गलत को गलत बताना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ध्यान देना मेरी बात। अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है, बड़ी कामयाबी लेना है, तो लंबे रास्ते को चूज करो। जस्ट डायरेक्ट सेलिंग भी वैसा ही। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट शॉर्टकट। अगर मोर देन आप चाहते हो, 1 CR आपको लेना है पर मंथ का इनकम, तो मोर देन 1 CR पर मंथ का इनकम शॉर्टकट नहीं है। अब यहां लोग आए, नीचे बैठे, प्रॉब्लम है भाई। हो सकता है आपको लंच के लिए छोड़ा गया होगा, जल्दी अंदर कर दिया गया होगा, प्रॉब्लम है या नहीं? घर से यहां पर आए, अपलाइन ने कॉल कर दिया, आना है, कल फोन किया, आज आना है, प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट शॉर्टकट। और लाइफ में अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है तो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो सब कुछ आपके तरीके से हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी हो, मैं 5 साल जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन बोलता है, जो सक्सेस के सिद्धांत बोलते हैं, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं, तो दोस्तों 5 साल दिक्कत आ सकती है लेकिन 5 साल बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी कि जिस कार पर उंगली रख दोगे वो कार आपका होगा और जिस पेंट हाउस पर उंगली रखोगे वो पेंट हाउस आपका होगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट शॉर्टकट। हमेशा लोग नाकामयाब इसीलिए होते हैं क्योंकि इस बिजनेस को शॉर्टकट तरीके से चलाना चाहते हैं। इस बिजनेस को रातों रात अपने तरीके से मॉडल लेते हैं, अपने तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं और वहीं से उनका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। 2 साल 3 साल में बहुत सारे लीडर आपके बीच आए होंगे, एजुकेटेड होंगे, टैलेंटेड होंगे, ध्यान देना मेरी बात, लेकिन उसके बाद गायब है मार्केट से। राइट या रॉन्ग? तो आज के बाद अगर आपको कामयाब होना है तो इस बिजनेस को शॉर्टकट तरीके से मत करना।
मैं सभी लीडर को बताता हूं, आप एक साल में आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, दो साल में आप एनालाइज नहीं कर सकते हो अपनी कामयाबी या नाकामयाबी का। कम से कम दोस्त पांच साल जो सिस्टम बोलता है, जो आपका अपलाइन बोलता है, जो प्रिंसिपल बोलता है सक्सेस का, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पांच साल बाद आप आके मिलना अपने लीडरों से। आप पीछे के चेयर पर बैठे हो, पांच साल बाद हो सकता है कि आप एसटीपीएस के टॉप 20 लीडर में आपका नाम हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पांच साल का प्लानिंग बना के काम करो, कर सकते हो। तो पहला हमारा स्लाइड है शॉर्टकट। आज के बाद मुझे विश्वास है कोई नहीं चलेगा। चलते हैं ट्रेनिंग से, जाएंगे दो दिन याद रखेंगे, तीसरा दिन प्रॉब्लम आया फिर रोना धोना शुरू कर देंगे। आप सोचो यार, आपको 1,000, 2,000, 3,000 का नेटवर्क बनाने में इतना बड़ा प्रॉब्लम। यहां मोर देन 11 लाख लोगों का नेटवर्क है, 11 लाख लोगों का नेटवर्क ऑपरेट करना कितना बड़ा सिरदर्दी होगा पता है। पांच दो बच्चे होते उसको खुश करना मुश्किल होता है, 11 लाख सोचो। हर किसी की नीड है, हर किसी की डिमांड है, हर कोई अपने अपने तरीके से, लेकिन हैप्पी है सारे लोग, क्योंकि हम समझ चुके हमें लोगों को क्या देना है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोला, कि जहां पर हम हैं वहां पर एक्सपीरियंस बदौलत है, या कोई भी है, डायमंड हो भी अपने एक्सपीरियंस की बदौलत है, ब्लैक डायमंड हो भी अपने एक्सपीरियंस की बदौलत है। तो आज के बाद शॉर्टकट तो नहीं चलोगे, पांच साल कम से कम टाइम दोगे। पांच साल के बाद डिसाइड करना कि आपने एसटीपीएस में जो काम किया उसका रिजल्ट क्या आया है। लोग क्या, लोग 2 महीना काम करते हैं, 2 महीना में रिजल्ट ढूंढते हैं, 3 महीना काम करते हैं, 3 महीना में रिजल्ट ढूंढते हैं। 3 महीना में क्या होगा सर, ये होटल अगर बना होगा तो इस होटल को न्यू बनाने में लग गए होंगे 1 साल या 2 साल भी लगाओगे। जमीन खरीदने में, पूरा उसके होटल का प्लानिंग करने में और बेस बनाने में कम से कम 2 साल लगे होंगे सिर्फ बेस, जबकि ये होटल 1 करोड़ महीना नहीं देता सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको 1 करोड़ महीना देगा अगर आप 1 करोड़ महीना कमाने की प्लानिंग से काम करोगे, राइट? तो पहला हमारा पॉइंट है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिलीव, विश्वास करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव। अपलाइन पर बिलीव, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा, डाउनलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी पर विश्वास करना पड़ेगा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज आता है उस पर आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा। मैं कितना भी बता दूं, अनुज सर कितना भी बता दे, आपके सीनियर लीडर कितना भी बता दे कि आप यहां से 1 करोड़ महीना कमाओगे, आपका 6 महीना में आपके टीम से इतने टारगेट अचीवर आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों जब तक आप विश्वास नहीं करते हो कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, तब तक दुनिया का कोई ताकत आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकता। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे अपने ऊपर कि मैं डायमंड बनूंगा, तब तक दुनिया का कोई ताकत आपको डायमंड नहीं बना सकता। ध्यान देना मेरी बात। और जिस दिन आप विश्वास कर लोगे अपने खुद के ऊपर कि कुछ भी हो, मुझे यहां से डायमंड बनना है, मुझे क्राउन डायमंड बनना है, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो दोस्तों अगर आपने खुद पर विश्वास कर लिया ना, तो दोस्तों आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका लोगों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। समझना, सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव एक इतनी बड़ी पावर है कि सेल्फ बिलीव था राइट ब्रदर को और राइट ब्रदर ने जहाज बना दिया जो कि दुनिया ने इंपॉसिबल बोला था। दुनिया अंधेरे में होती थी, लोग बोलते थे उजाले में नहीं आएगा, लेकिन एक आदमी ने बोला कि मैं दुनिया को अंधेरे से उजाले में लाऊंगा। सेल्फ बिलीव था, हजारों बार उसने रिसर्च किया, फेल हो गया,
9000 बार रिसर्च किया, फेल हो गया। लेकिन दोस्तों उसका सेल्फ बिलीव इतना बड़ा था कि मैं दुनिया को अंधेरे से उजाले में लाऊंगा, और 9999 बार आविष्कार करने के बाद भी फेल होने के बाद सेल्फ बिलीव इतना मजबूत था कि उसका बिलीव लेवल नहीं टूटा। 10000 बार आविष्कार किया, दुनिया को अंधेरे से लाया और दुनिया का महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन कहलाया। दिस इज अ सेल्फ बिलीव। समझ आ रही मेरी बात? यानी सेल्फ बिलीव इतनी बड़ी चीज है कि जो कि हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल देता है। और यहां तो आप देख रहे हो, क्या लोगों ने बोला होगा हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा? और अगर वो 1 साल 2 साल रिसर्च कर रहा होगा, फेल हो रहा होगा, तो क्या लोग उसके ऊपर शाबाशी दे रहे होंगे? भाई तू हवाई जहाज पक्का उड़ाएगा, कोई आज तक नहीं किया, तू इस काम को करेगा, एक भी आदमी नहीं बोला होगा। दोस्त उसका मम्मी पापा, उसका भाई बहन, सारे लोग उसका विरोध में खड़ा होगा, लेकिन उसका सेल्फ बिलीव था कि मैं काम करूंगा। सारी दुनिया एक तरफ, थॉमस एडिसन एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, राइट ब्रदर एक तरफ, दुनिया को नक्शा को चेंज कर दिया, इम्पॉसिबल ने पॉसिबल को बदल दिया। दिस इज अ सेल्फ बिलीव। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको कामयाब होना है दोस्त, आज के बाद खुद पर आप विश्वास करना। अगर आपका खुद पर विश्वास है तो दुनिया में सबसे बड़ा भूचाल भी आ जाए, आपके बिजनेस को डगमगा नहीं सकता। दुनिया कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, आपको कोई हिला नहीं सकता। ध्यान देना मेरी बात, अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं कर सकता हूं वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। कर सकते हो आप खुद पर विश्वास? कर सकते हो? आज के बाद करते हैं, लेकिन मैं लीडरों को रोते भी देखा हूं। ऐसा होता है नहीं अनुसर? देखा हूं यार, 10 दिन 20 दिन 4 महीना 6 महीना काम करने और डगमगाने लगते ऐसे। मैं क्या बोला, जितना छोटा प्रॉब्लम उतनी छोटी अचीवमेंट, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अचीवमेंट। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग में आप चाहते हो बड़ी कामयाबी ले, तो दोस्तों दिखते आएगी तो आपको बिजनेस में टिके रहने के लिए कौन मजबूर करेगा? आपका सेल्फ बिलीव। मेरी बात समझ आ रही है? कर सकते हो आज के बाद? Yes! कर सकते हो? सेल्फ बिलीव जिसका हो गया ना कि मुझे अरबपति बनना है सर, तो बताना नहीं पड़ेगा आप लाइन को, आप 12 बजे रात तक काम करो। अगर जरूरत पड़ती है ना तो 2 बजे रात तक भी काम करते हैं, क्योंकि उसको विश्वास है मैं इस इंडस्ट्रीज में ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। सेल्फ बिलीव।